Hello friends, welcome to my YouTube channel Wings Tutors. Today we are going to start a new topic and the new topic name is conjunction. We will know about the conjunction and its types. तो आइए conjunction के बारे में पढ़ते हैं. First of all we will know about the definition of the conjunction. कि conjunction है क्या चीज़. A conjunction is a joiner, a word that connects conjoins part of a sentence. Conjunction एक basically joiner है जो सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स को ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है. अ कंजंक्शन इज द ग्लू दैट होल्ड वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट टुगेदर. दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कंजंक्शन एक ग्लू का वर्क करता है. इट इज़ अ टाइप ऑफ अ ग्लू दैट होल्ड वर्ड्स, जो शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लॉजेज को, चाहे वो डिपेंडेंट क्लॉज हो चाहे वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, उनको इकट्ठे लाता है, उनको जोड़ता है. वी कैन एक्सटेंड आर लाइन्स विद सिंपल वर्ड्स लाइक एंड और बट. हम अपनी लाइन्स को एक्सटेंड कर सकते हैं कुछ सिंपल से वर्ड्स हैं, कंजंक्शन हैं एंड और बट के थ्रू. तो आइए इसकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनके बारे में रीड करते हैं. देयर आर थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंजंक्शन. अलग अलग किस्में हैं कंजंक्शन की, तीन किस्में हैं. Each serving its own distinct purpose, but all working to bring words together. इन सब का काम जो है, बेसिक इनका मेन मोटिव क्या है कि वर्ड्स को इकट्ठे जोड़ना है, वर्ड्स को इकट्ठे लाना है. टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में फर्स्ट टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आफ्टर दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड द थर्ड टाइप कोरिलेटिव कंजंक्शन. फर्स्टली वी विल नो अबाउट द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? Coordinating conjunctions are what come to the most people's mind when they hear the word conjunction. They join together words, phrases and independent clauses. With them, short and choppy sentences can be joined into fuller lines. There are seven of them and they are easy to remember if you can just think of the acronym FANVOYS. अब जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इनके बारे में हम जब सोचते हैं तो इनका काम हमारे माइंड में क्या आता है कि ये वर्ड्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, ये वर्ड्स को ऐड करते हैं, ये वर्ड्स को डिफरेंट डिफरेंट फ्रेजेस को जोड़ते हैं. तो इनसे हम लोग जो छोटे वर्ड्स हैं, छोटे सेंटेंसेज हैं, छोटी लाइन्स हैं, उनको हम लोग बड़ा बना सकते हैं. ये इनको बड़ा बनाने का काम करते हैं. ये सेवन टाइप्स के होते हैं और इनको याद रखने के लिए एक्रोनियम इनका FANVOYS है. F से अलग है, F से फॉर है, A से एंड है, N से नॉर है, B से बट है, O से और है, Y से येट है, S से सो है. तो इस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं. आइए इनकी जो सेवन टाइप्स हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, उनके बारे में जानते हैं. फर्स्ट वी हैव फॉर. फॉर किस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं? फॉर हम लोग यूज़ करते हैं रीज़न एक्सप्लेन करने के लिए, पर्पज़ को बताने के लिए, जैसे हम बिकॉज का प्रयोग करते हैं. उसके बाद हमारे पास है एंड. एंड किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? एड्स वन थिंग टू अनदर. जब एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ ऐड करनी हो तो हम एंड का यूज़ करते हैं. उसके बाद नॉर है, यूज्ड टू प्रेजेंट एन अल्टरनेटिव नेगेटिव आइडिया टू एन ऑलरेडी स्टेटेड नेगेटिव आइडिया. तो जो पहले से हमें नेगेटिव आइडिया दिया होता है उसको प्रेजेंट फॉर्म में हम अल्टरनेटिव नेगेटिव आइडिया के तौर पर नॉर का यूज़ करते हैं. बट का यूज़ करते हैं कंट्रास्ट दिखाने के लिए, कंपेरिजन हो सकता है. और का यूज़ कहाँ पे होता है? प्रेजेंट एंड अल्टरनेटिव और अ चॉइस. जब कोई चॉइस हो हमारे पास तब हम और का यूज़ करते हैं. इसके बाद है येट, इंट्रोड्यूसेस अ कंट्रास्टिंग आइडिया दैट फॉलो द प्रसीडिंग आइडिया लॉजिकली. ये एक कंट्रास्ट करने के लिए, मतलब दो चीज़ों के बिटवीन में जो भी कंट्रास्ट पैदा होता है उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग येट का यूज़ करते हैं. इसके बाद है सो. सो इंडिकेट करता है जी इफेक्ट को, रिजल्ट को, कॉन्सिक्वेंस को, कोई नतीजा हो उसको, कोई रिजल्ट हो उसको. ये सेवन टाइप्स की कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की. आइए अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास है आई गो टू द पार्क एवरी संडे फॉर आई लव टू वॉच द डक्स ऑन द लेक. जो फॉर यहाँ पे यूज़ किया गया है वो रीज़न बताने के लिए यूज़ किया गया है कि मैं संडे को पार्क में जाता हूँ. किस चीज़ के लिए? कि मैं डक्स को स्विमिंग करना या देखना, डक्स को पसंद करता हूँ. आई वॉच द डक्स ऑन द लेक एंड द शर्टलेस मैन प्लेइंग सॉकर. अब इसमें भी एंड का यूज़ किया गया उस चीज़ की, उस सेंटेंस की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए. नॉर का यूज़ किया गया है नेगेटिव के लिए. आई डोंट गो फॉर द फ्रेश एयर नॉर फॉर द डक्स
एंड आई लाइक सॉकर, मतलब इस चीज़ को अलग अलग तरीके से ये सारी एग्जांपल्स दी गई हैं जिनको अलग अलग तरीके के साथ यूज़ कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ। सेकंड टाइप है सबॉर्डिनेट कंजंक्शन। अब सबॉर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है? अ सबॉर्डिनेट कंजंक्शन ऑलवेज इंट्रोड्यूसेस अ डिपेंडेंट क्लॉज ट्राइंग इट टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। सबॉर्डिनेट कंजंक्शन का काम क्या होता है? ये डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट करने का काम करता है। अब डिपेंडेंट क्लॉज होती क्या है? अ डिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। डिपेंडेंट क्लॉज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते, इसको कंप्लीट होने के लिए दूसरी क्लॉज के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज बाय कंट्रास्ट कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, जबकि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होती है। अनलाइक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबॉर्डिनेट कंजंक्शन कैन ऑफन कम फर्स्ट इन अ सेंटेंस। दिस इज बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। सबॉर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह काम नहीं करता। सबॉर्डिनेट जो कंजंक्शंस होते हैं वो अक्सर सेंटेंस के सबसे आगे आते हैं, सबसे मतलब फर्स्ट उन्हीं से सेंटेंस स्टार्ट होता है ज़्यादातर केसेस में। दिस इज बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, ये इसलिए होता है कि डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज के रिलेशनशिप के लिए। आइए एग्जाम्पल से ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, उसे देखते हैं। पहले देखते हैं सबॉर्डिनेट कंजंक्शन कौन से हैं। फर्स्ट वी हैव ऑल्दो, फिर बिफोर है, वंस है, दैट, व्हेन, वेदर, As, how, since, though, whenever, while, because, if, then, until, where, why. तो ये थे हमारे जो सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। अब इनकी एग्जांपल्स। फर्स्ट वी हैव बिकॉज ऑफ हिम आई लर्नड हाउ टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। बिकॉज यहाँ पे आ गया तो ये मतलब सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है बिकॉज से स्टार्ट होता है। इसके बाद है एवरीथिंग विल फॉल इन टू प्लेस इफ़ यू स्टार्ट एट द बिगिनिंग। अब ये दोनों अलग अलग क्लॉजेज हैं, यहाँ पे बिटवीन में इफ़ आया तो दोनों को कंबाइन किया। नेक्स्ट है जी अनटिल यू ट्राई यू विल नेवर नो, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। एज आई राइट दिस लेटर आई नो, एज से स्टार्टिंग हुई है सेंटेंस की, तो ये कुछ एग्जांपल हैं सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस की। आइए थर्ड टाइप है जो कंजंक्शन की, उसके बारे में रीड करते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन आर टैग टीम कंजंक्शन। ये बेसिकली टैग टीम, एक टीम के रूप में काम करते हैं, पेयर में होते हैं ये। दे कम इन पेयर्स एंड यू हैव टू यूज बोथ ऑफ देम इन डिफरेंट प्लेसेस इन अ सेंटेंस टू मेक देम वर्क। इनका मतलब जो वर्क होता है वो क्या होता है कि सेंटेंस में ये कहीं भी फिट हो सकते हैं, कहीं भी इन द सेंस के पेयर, एज ए पेयर ही फिट होंगे ये। दीज कंजंक्शन वर्क टुगेदर, ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं, एंड रिलेट वन सेंटेंस टू अनदर, और एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन कनेक्ट टू इक्वल ग्रामेटिकल टर्म्स। कोरिलेटिव जो कंजंक्शन होता है इनका काम होता है दो इक्वल ग्रामेटिकल टर्म्स को जोड़ना। सो इफ अ नाउन फॉलोज बोथ, अगर एक नाउन के बाद दोनों आते हैं, देन अ नाउन शुड ऑल्सो फॉलो एंड, तो वहाँ पे एक नाउन के बाद एंड भी आ सकता है। तो इनके जो कोऑर्डिनेट कोरिलेटिव कंजंक्शन है कौन कौन से हैं? बोथ और एंड है, वेदर और, वेदर और है, इधर और है, नीदर नॉर है, नॉर बट है, नॉट ओनली बट आल्सो है। इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं। आई वांट इधर द पिंक सोफा और द पर्पल वन, तो दोनों को हम लोग यूज करते हैं। आई विल स्टडी बोथ इंग्लिश लिटरेचर एंड आर्ट हिस्ट्री। आई डिडंट नो वेदर यू वुड वांट मिल्क और आइसक्रीम, वेदर और आ गया। व्हाई डू यू वांट टू विजिट नीदर आयरलैंड नॉर स्कॉटलैंड। I took not only the pink sofa but also the Tiffany lamp. Not the cheeseburger for me but definitely the fries. तो ये कंजंक्शन था और कंजंक्शन की कुछ टाइप्स ही विद एग्जाम्पल हमने ये रीड किए। होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल है विंग्स ट्यूटर, उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।